ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने जगदलपुर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया, कहा कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कोरोना टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लता खापर्डे का आज सुबह राजनांदगांव में निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। यह बात राज्यपाल ने आज जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के परिसर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित विश्राम गृह का लाभ सैनिक परिवारों के अलावा बस्तर आने वाले सभी वर्दीधारियों और उनके परिजनों को मिलेगा। सैनिकों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राज्यपाल ने जिला प्रशासन को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही माह में 2 दिन सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करने को कहा। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सुरक्षा बलों और सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को देशभर में मनाया जाता है। राज्यपाल ने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपनी स्वेच्छा से एएस फंड में बढ़ चढ़कर दान दें। इसका उपयोग पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर प्रसन्ना ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कोरोना टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि जो लोग कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और प्रिकॉशन डोज लेने से छूट गए हैं उन्हें जल्द टीका लगाया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को बीते 15 जुलाई से शासकीय कोविड टीकाकरण केंद्रों में प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह अभियान 30 सितम्बर तक चलाया जाएगा। गहराते कोयला संकट का असर भिलाई इस्पात संयंत्र में भी दिखने लगा है। संयंत्र के पास केवल 2 दिन ही प्लांट चलाने के लिए कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इसे देखते हुए प्रबंधन ने रेल मिल का उत्पादन कम करने के साथ ही अन्य ब्लास्ट फर्नेस को डाउन कर दिया है। संयंत्र के जनसंपर्क विभाग के महाप्रबंधक जैकब कुरियन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोल के नहीं पहुंचने के कारण कोयला संकट उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब आयातित कोयला विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंच चुका है जिसके 1-2 दिन में भिलाई पहुंचने की संभावना है। उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिलहाल उत्पादन प्रभावित चल रहा है। इस बीच खबर मिली है कि एक रैक भिलाई पहुंच गया है, वहीं दूसरे रैक के देर रात तक पहुंचने की संभावना है। गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वर्चुअल कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठान से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7,04,00,000 रूपये की राशि ऑनलाइन जारी की। इस योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335,36,00,000 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इन दिनों बस्तर संभाग के 5 दिवसीय प्रवास पर हैं। आज उन्होंने सुकमा पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता केदार कश्यप भी मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने को कहा। वही नेता प्रतिपक्ष ने शराबबंदी का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी शिविर को ध्वस्त करने के साथ ही विस्फोटक सामग्री का परिवहन करते हुए उनके 2 सहयोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने आवापल्ली और फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की। गिरफ्तार माओवादी सहयोग के पास से कार्डेक्स वायर, जिलेटिन राड और डेटोनेटर बरामद किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष एक महिला सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 6,00,000 रूपये का इनाम घोषित था।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लता खापर्डे का आज सुबह राजनांदगांव में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता खापर्डे ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के उत्थान के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि लता खापर्डे ने 7 वर्ष की उम्र से रामचंद देशमुख के लोक कला मंच चंदनी गोंदा से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने खुमार लाल साव के चंदनी गोंदा में गायन और अभिनय किया। वहीं हबीब तनवीर के नया थिएटर के माध्यम से जर्मनी और रूस में छत्तीसगढ़ी लोक कला को पहुंचाया। साथ ही लता खापर्डे ने फिल्म पीपली लाइफ में अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवाया। लता खापर्डे पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। आज सुबह उन्हें हृदयाघात हुआ जिससे उनका निधन हो गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन 30 सितंबर से फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें गोदिया वडसा मेमू स्पेशल, वडसा चंदा फोर्ट मेमू स्पेशल और चंदा फोर्ट गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने आज जिले के अनेक स्थानों से पहुंचे माझी चालकी मेंबर मेमरीन और गायता पुजारियों के साथ बैठक की। बैठक में बस्तर दशहरा में शामिल होने और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि बस्तर दशहरा में शामिल होने देव विग्रहों के साथ माझी चालकी और पुजारी 4 अक्टूबर को जगदलपुर जाएंगे। उनके आने जाने और ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने मांझी चालकी मेंबर मेंबरीन और गायता पुजारियों से देवगुड़ियों के विकास, एनीमिया मुक्ति और वनों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा कर इस दिशा में सहभागिता निभाने का आग्रह किया। सूर्य उत्तरी गोलार्ध से होते हुए दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहा है। इसके कारण कल सूर्य के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होने के कारण दिन और रात बराबर होंगे। प्रत्येक वर्ष सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। इसके कारण वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जिनेजा आज एक दिवसीय प्रवास पर सरगुजा संभाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। सरगुजा के जिला सत्र न्यायालय ने ग्राम साली में आयोजित समाधान शिविर में हंगामा करने वाले 6 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दाव वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके लिए पंजीकृत अभ्यर्थी कल 23 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन अपने नजदीक के वेटनरी और मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक में करा सकते हैं। हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मेरिट सूची जारी कर दी है। इस संबंध में 8 दिनों के भीतर दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भृत्य परीक्षा 25 सितंबर को दोपहर 12 बजे से आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएगी। कोरबा के शासकीय आईटीआई में इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। चयन सूची में शामिल आवेदक अब 30 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। रियल एस्टेट प्रमोटरों के लिए कल से 30 सितंबर तक रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा कार्यालय में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धमतरी जिले की कुरुद तहसील के अंतर्गत ग्राम राखी के पटवारी भूपेंद्र ध्रुव को संपत्ति नामांतरण के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के कचंदा गांव में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। कबीरधाम जिले के भोरमदेव तालाब में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी एनिकट में नहाने गए 2 युवक नदी में बह गए। इसमें से एक युवक तैरकर बाहर निकल गया जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। और बिलासपुर जिले के चकरभाठा पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 15 लाख रूपये से अधिक की राशि बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने जगदलपुर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया। कहा कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लता खापर्डे का आज सुबह राजनांदगांव में निधन हो गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।